निकालना सीखेंगे, ठीक है, जो कि आप 3 से 4 सेकंड निकाल पाएंगे। बस आपको यहाँ ध्यान देना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने के कुछ नियम है, आपको ये चीज याद, जैसे सीरियल नंबर 1 से 10 तक तो हमें लगता है कि सबको स्क्वायर याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, 1 से 10 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और उसका जो यूनिट डिजिट होगा, जैसे 1 का जो वो हो गया, 4 का यूनिट 4 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 16 का यूनिट डिजिट 6 हो गया, 25 का 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट, 36 का 6 होगा, तो ये यूनिट डिजिट काम आएगा निकालने के लिए, ठीक है। सर देखते आइए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे देखिए रूट अंडर 729, इसमें क्या लेना है, इसका जोड़ा लेना है ये वाला। तो पहला यूनिट देखना है 9 है, 9 किस किस में आता है देख लीजिए, 9 आता है 3 में आता है और 7 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, दो कंडीशन बन रहे हैं मात्र, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या है 7, 7 को ऐसा करना है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो बड़ा हो जा रहा है तो इसे छोटा ही लेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि यहाँ ले लेंगे आपको 2। अब क्या करना है देखिए, अब ये फंडा आपको यहाँ समझ में आना है, क्या करना है जो हम लिखे हैं अभी समझ में आने वाला है आपको। देखिए इसके एक अंक बड़ा, जैसे 2 का एक अंक क्या 3 होता है, तो 3 × 6, देखिए ये छोटा है 7 से, छोटा है ना, तो क्या करने से बात, जब देखिए रूट में जो डाले हैं ये वाला है, ठीक है, ये जो डाले हैं ना रूट में रहने वाला, तो जब ए वाला ये देखिए ये बड़ा हो तो बड़ा वाला अंक, इसमें बड़ा वाला अंक कौन है 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27, ठीक है, निकल गया। चलिए देख लीजिए हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और इजी वाला ले लेते हैं, √625 इसका निकाल लीजिए। तो वही फंडा अपनाना है, यूनिट देखिए पहला क्या है, इसको 2 ले लेंगे, 5 किस में आ रहा है देखिए स्क्वायर करने पर, एक 5 वाले में आ रहा है यूनिट 5, और कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या लेंगे 5 ले लेंगे। अब ये 6, देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 9 बड़ा हो जा रहा है 6 से, तो क्या लेंगे 2 का, यानी यहाँ पे ले लेंगे अब 2, 2 का एक भाग बड़ा कर लेंगे 2 × 6, अब देखिए बराबर हो जा रहा है, यानी कि देखिए 2 × 6 और ये भी 6 से बराबर हो जा रहा है, जब ए और डी दोनों बराबर हो जा रहा है तो कुछ नहीं होगा, ऐसा सेम लिखा जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा कुछ आएंगे 25 हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, √1225, अब इसका निकालना है, ठीक है। तो वही सेम 2-2 पद में बांट लेंगे, ठीक है, इसका लिमिट है 5, तो 5 यूनिट किस में आ रहा है 5 वाले 25, यानी 5 वाले में आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब 12 आ रहा है किसी में, नहीं आ रहा है, 3 × 9 = 16 बड़ा हो जा रहा है 4 में, यानी कि छोटा वाला लिखेंगे, यानी 3। अब 3 फिर वही करना है, एक अंक से बड़ा, 3 × 4 = 12, देखिए बराबर हो गए दोनों, तो बराबर हो गए, तो बराबर होने के बाद सेम ही लिखा जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसका कितना हो जाएगा 35 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, हाँ तो चलिए इसका निकालते हैं, एक और ले लेते हैं 33 64, इसमें भी क्या करना है सेम प्रोसेस, 2-2 बांट लेना है, इसका यूनिट कितना 4 आ रहा है, 4 किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, क्या और किस में आ रहा है 8 में आ रहा है, 4 यूनिट 4 2 में 8, तो या तो 2 होगा यहाँ पे या फिर 8 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका 33 है, तो 33 वाले 5 × 25 = 6 × 36, यानी कि 36 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 6 वाला, यानी कि 5 वाला हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब फिर वही इसका एक अंक बड़ा, यानी 5 × 6 = 30, अब देखिए ये 30 है ये 33 है, तो बड़ा कौन है रूट वाला, जो बताया था ये बड़ा है, जब ये बड़ा रहे ये वाला बड़ा हो जा रहा है, तो ये बड़ा रहेगा अंदर वाला बड़ा रहेगा, तो क्या होगा बड़ा वाला क्या है 8 है, तो क्या आंसर आपका हो जाएगा 58, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, तो इसमें क्या करना है पहले 2 को ले लेते हैं और जो बाकी बचा है उसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 का यूनिट डिजिट है कितना आ रहा है 3 का आ रहा है 9, उसके बाद क्या आ रहा है 7 का 9 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा, ठीक है। अब 110 इसमें देखिए 10 का 10, तो यहाँ 100, 11 का 121, तो 121 तो ज़्यादा हो रहा है 11 वाला, तो 10 100 इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब क्या करना है एक अंक ज़्यादा एक गुना करना है, आप लिखा ना +1 × 2, मतलब एक अंक ज़्यादा लेंगे तो कितना होगा 121। अब देखिए पहले तो इस कुछ वाले जो क्वेश्चन किए उसमें ये बड़ा था, लेकिन अब क्या है डी वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, ठीक है, तो जब नीचे वाला बड़ा तो छोटा वाला, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा 130, ये आपका रूट हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे आपको ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।